बंद कर ये लाइट। क्या हुआ अम्मा, पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत है। अरे अम्मा बिजली की बचत की चिंता मत करो। अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी। माँ पार्वती के साथ में प्रकट हुए, बोलिए वासुदेव से पूछते हैं, हे वासुदेव आप क्या चाहते हैं, क्यों मेरा आपने जब किया अनुष्ठान किया व्रत किया तपस्या की। श्री कृष्ण ने कहा प्रभु मुझे कहने में ला जाती है आपसे, तो आपका व्यक्ति आराधना करके आपसे भक्ति और मुक्ति मांगना चाहिए, लेकिन मैं भोग मांग रहा हूं, भोग मांग रहा हूं आपसे। मेरी एक भार्या के पुत्र है, अन्य 7 भार्याओं के पुत्र नहीं है, उसमें से एक है जाम्बवती जो पुत्र चाहती है, प्रद्युम्न के समान पुत्र चाहती है, बस उसी ने मैं तपस्या करने आया हूं, क्योंकि वो पुत्र भी तो आपके आशीर्वाद से ही मिला है। शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी ने कहा स्त्री नाम षोडश सहस्रम भविष्यति महाबल तासु पुत्र दश दश। फिर से स्त्री नाम षोडश सहस्रम भविष्यति शतार्धकम तासु पुत्र दश दश भविष्यति महाबल। आपके 16,050 विवाह होंगे। शिवजी का नाम ऐसे ही है। द्रौपदी को पति चाहिए था, शिवजी की तपस्या करी। द्रौपदी कौन थी, तो छाया सीता थी, जो लंका में हरण करके रावण ले गया वो छाया सीता, असली सीता तो अग्नि में थी। जब भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की, अग्नि परीक्षा ली, वास्तविक सीता निकल के प्रभु के पास में आ गई, नकली सीता जो छाया सीता थी वो कहां जाए, उसका तो भगवान ने सीता जी ने सृष्टि की थी, उसकी वैसा ही शरीर वैसा ही गुणधर्म सब कुछ वैसा। छाया सीता राम जी के पास में गई, प्रभु मुझे कहां छोड़ रहा है, आप मुझे भी लेके चलिए। भगवान ने कहा नहीं, एक पत्नी व्रत है, दो को नहीं रख सकता। बोले मुझमें और उनमें क्या फर्क है। बोले तुम दोनों में फर्क यही है कि तुम दो हो, एक नहीं हो, छाया अलग है। मैं क्या करूं, कहलाऊंगी तो आपकी ही पत्नी, सीता शब्द आते ही राम के साथ उसकी संधि हो जाती है, आपकी भार्या कहलाऊं। भगवान ने कहा नहीं, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकता, आप पुष्कर चली जाओ और वहां पर पति की प्राप्ति के लिए जाओ आराधना करो। महादेव जी प्रकट हुए, इतना प्रफुल्लित हुई छाया सीता महादेव जी को देख करके, पतिम देही महादेव, हे महादेव मुझे पति चाहिए। शिव जी ने कहा 5 बार कहा तो 5 पति ले ले। द्रौपदी को 5 पति दे दिया और भगवान के साथ भी ऐसे ही किया। शिव जी हमारे ऐसे ही है। अरे भोलानाथ से निराला हो गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। ये बात तो सबको पता है लेकिन फिर से बता देता हूं। शिवरात्रि की रात्रि में एक चोर निकला, चोरी करने गया, लेकिन सबके घर में जागरण हो रहा था, सब लोग जाग रहे थे, कोई मौका नहीं मिला, पत्नी ने चोर को भेजा था आज खाली हाथ मत आना। चोर निकला बेचारा, सारी नगरी तो जाग रही, आज मौका नहीं है, जंगल में चला गया, एक शिव जी का मंदिर दिखाई दिया, बड़ा खुश हुआ क्योंकि शिव जी के मंदिर में दरवाजे नहीं होते। भीतर गया लेकिन निराशा, ना दान पेटी थी, ना सोना था, ना चांदी था, ऊपर एक घंटा टंगा हुआ था, हाथ पहुंचाया लेकिन हाथ नहीं पहुंचा, शिवलिंग पर ही चढ़ गया। शिवलिंग पर चढ़ के घंटे को उतारने लगा, तभी एक भीषण गर्जना हुई और लिंग को फाड़ करके भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोले वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, प्रसन्नास्तः
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चोर भयभीत होके कांपने लगा। चोर ने पूछा, प्रभु ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप प्रसन्न हो गए, वर देने के लिए तत्पर हो गए। सारे लोग मुस्कुरा रहे, सबको पता है, सबको पता है। शिव जी ने कहा कि देखो, आज किसी ने जल, किसी ने दूध, किसी ने अक्षत, किसी ने बेलपत्र, किसी ने धतूरा चढ़ाया। तू ही एक ऐसा निराला था कि जिसने अपने आप को मुझे चढ़ा दिया। इसीलिए तो ये मैं नहीं कह रहा, वो चोर कह रहा है।